हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ नाज़िया पेशन। और फ्रेंड कैसे हैं? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ताई रोड पे, और ये ताई रोड का कमर्शियल एरिया है, और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दाता शाही मुर्ग शोले। तो भाई बड़ा ही फेमस ढाबा है। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि हम लोग 100 रुपीज़ जो है चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। 100 रुपीज़ में हमें 1 पर्सन का जो है खाना वो खाना है। तो भाई 100 रुपीज़ चैलेंज है, तो चले आए और देखते हैं कि 100 रुपीज़ में क्या क्या मिल रहा है। तो साथ है ना आप हमारे, चल रहे हैं ना, आ जाएं। आपसे मैं मेन्यू शेयर कर रही हूँ इनका, और अभी ये मैं आपसे मेन्यू शेयर कर रही हूँ। बट 100 रुपीज़ वाली जो बात है वो अभी हम भाई से जो है पूरी तफसील से आपको बताते हैं, पूछते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई ये जो ढाबे है इनके जो है ढाबे में मौजूद हूँ, और मैं आपसे इनके ऑनर से बात कराती हूँ, और भाई ये बताते हैं कि इनके पास क्या क्या वैरायटी है खाने में, और 100 रुपीज़ में यह है क्या क्या जो है सर्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका नाम क्या है? राना अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जी। अच्छा अब्दुल मजीद भाई, ये बताएं कि हमने जो है ये एक चैलेंज स्टार्ट करा है भाई, 100 रुपये में एक बंदा जो है खाना खा सकता है, तो क्या ऐसा है पॉसिबल खाना? बिल्कुल है हमारे पास, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। हम तो हाफ चने देते हैं, 50 के 40 के 30 के, जितना कोई जिसकी हसब तौफीक है वो हमारे पास आके खाना खा सकता है। मतलब 100 रुपये में खा सकता है बंदा आराम से खा सकता है। इसके अलावा दाल भी है, सब्जी भी है, जो चीज़ उसका दिल करे वो खा सकता है। देखें बहुत अच्छी बात है, इतनी महंगाई के दौर में और 100 रुपये में एक बंदा पेट भर के खाना खा ले, बहुत बड़ी बात है। तो चलें आप दिखाएं वैरायटी क्या क्या है आपके पास। ये दाल माश है, ये माश की दाल है, माश की दाल है, ये भिंडी है, ये भिंडी है, ये भिंडी का सालन है, ये आलू कीमा है, ये भी माश की दाल है, और ये बड़े के पाए हैं, और ये आगे मुर्ग चने हैं। बड़े के पाए दिखाओ। ये बड़े के पाए हैं, ये भी हाफ हाफ में मिल सकते हैं। अच्छा, और वो? और ये वो मुर्ग चने हैं, ये मुर्ग चने। बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा भी है क्या? होते हैं क्या आपके पास सालन या दिन में और वैरायटी होती है? हाँ, और वैरायटी है। इसके अलावा हमारे पास नान है, कुलचा है, तिल वाला सादा अच्छा नान है, लाल आटे की रोटी है। अच्छा। और यहाँ माशाल्लाह में 30 साल हो गए हैं इस मार्केट में, रेडी से स्टार्ट किया है, अभी दुकान पर हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह इसी सबब अच्छे मेहनत करी ना, सही मेहनत करी। हम तो आपके प्रोग्राम के तवसत ये पैगाम देना चाहते हैं हर गरीब आदमी को, हर मजदूर को, हर रक्षे वाले को, जो बड़े होटलों में नहीं जा सकते हैं, नहीं खाना खा सकते हैं, वो हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह हम नहीं भी पैसे हैं तो कोई बात नहीं, हम अल्लाह के खाते में आपको खाना दे सकते हैं। चलिए माशाल्लाह भाई, देखें फ्रेंड्स ये आप जो है देख लें, जो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ ज़रूर आइएगा, और माशाल्लाह इतनी सोच जो अच्छी रखी हुई है भाई ने, तो अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, अल्लाह पाक इनके काम में बरकत दे, तरक्की दे इनके रिस्क में। तो भाई चलें, और आप हमें जो 100 रुपीज़ में जो मिलता है आप हमें वो दिखाएँ और वो खिलाएँ, तो हम लोग खाते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आ जाएँ। ओके फ्रेंड, ये जो है इनके नान की वैरायटी है, ये सादा नान है, ये सादा नान है, ये सादा रोटी है, रोगनी नान है, तिल वाले कुलचे हैं, ये आपके सामने बन रहे हैं, ये आपके सामने लग रहे हैं तिल वाले कुलचे, और इसके अलावा रोगनी नान है, लाल आटे की रोटी है, और बिल्कुल घरेलू माहौल के सादे सालन है, बिल्कुल साफ़ सुथरे, और अयल में पकाते हैं हम लोग, अच्छा करके पकाते हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं। सही है, जब इतने एक तो इतने रीजनेबल प्राइस और ऊपर से इतना अच्छा हेल्दी खाना मिल रहा है, तो भाई आएँ और अवेल करें। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड थोड़ा सा रिव्यू भी लेते हैं भाई के, यहाँ पे ये खाना खाने आए हुए हैं भाई, तो पूछते हैं कि क्या खाने आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत है। और नाम क्या है आपका? इकरामुल्ला। इकरामुल्ला जी। अच्छा, ये बताएं कि आप खाना खाने आए तो खाना खा रहे हैं, खाने में क्या खाएंगे? माम तो चोला खाया, चोला बहुत मज़ा किया। अच्छा, तो आपकी मतलब ये कि आप 100 रुपये तक में आपका पेट भर जाता है, आप आते हैं यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में खाना खाते हैं यहाँ? 100 रुपये में इधर को हमारा लोग बहुत गुजारा होता है इससे। अच्छा, और आप
जी हम यहाँ पे काम करते हैं साथ में, तो डेली यहाँ आते हैं। यहाँ के छोले बहुत फेवरेट हैं, हमें पसंद आते हैं। अच्छा, आप यहीं कहीं काम करते हैं करीब में? जी जी, तो यहाँ पे आते हैं डेली। बहुत अच्छा सफाई है और छोले ये भी बहुत अच्छे हैं, लोग डेली आते हैं। और प्राइस भी रीजनेबल है? हाँ जी, प्राइस भी सस्ता है, बिल्कुल सही पड़ता है। सही है फ्रेंड्स, देखें प्राइस भी जो है रीजनेबल है। और चलें इनसे भी थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? खैर हैं आप? क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा नदीम साहब, ये बताएं कि आप यहाँ क्या खाने आए हैं? मैं यहाँ मुर्ग छोले खाने आया हूँ, बहुत स्पेशल है और ये बहुत पुराने हैं यहाँ इनके। अच्छा, तकरीबन कितने साल हो गए होंगे इनको? मेरे को 10 साल हो गए, मैं इनका कस्टमर हूँ। जब कराची आता हूँ पंजाब से, मैं इनके पास मुर्ग छोले खाने आता हूँ। बहुत ज़बरदस्त भाई। तो आप मतलब यहाँ पे प्राइस का कोई इशू नहीं होता क्या? रीजनेबल प्राइस है। हाँ जी, और ये ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, ये इनके अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मैं इसीलिए कमर्शियल मार्केट जब आना हो मैं इनके मुर्ग छोले खाता हूँ। चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि एक गरीब आदमी जो है वो यहाँ आके अवेल कर सकता है इस डील को, हर चीज़ मतलब यहाँ पे खा सकता है। यहाँ पे भाई ने खुद कहा है कि यहाँ आएँ और आपको 100 रुपये तक में आराम से पेट भर के खाना जो है मिलेगा। तो भाई जो भी वीडियो देख रहा है वो आएँ और अवेल करें इस डील को। ओके फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम क्या है आपका? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, अच्छा ये बताएं कि हमने जो अभी जो ये डील स्टार्ट करी है भाई, कि हमने एक चैलेंज 100 रुपीज़ का, तो एक अच्छा एग्जाम है जी, है ना? तो आप ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मेरा पैगाम है, सबसे पहले जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और ये पैकेज रखा है गरीब मजदूर बेरोज़गार लोग, जिनकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है, वो आके सस्ता खाना खा सकते हैं 80 रुपये 100 रुपये में। तो और अच्छा खाना आयल तेल में सोया सुपरी में तैयार करते हैं, ताज़ा फ्रेश खाना, जायकेदार। वो जहाँ भी हैं थोड़ी ड्राइव करके आएँ, जितने भी मजदूर तक को है 15 से 20 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, वो आके खाना खा सकते हैं। तो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, मजदूर लोग, यतीम मस्किन लोग, और जिसके पास सफ़ेद पोश पैसे नहीं है वो आके खाना खा सकता है। और थोड़ा सा एड्रेस भी बता दें और ये भी बता दें कि टाइमिंग क्या है? जी टाइमिंग सुबह 7 से लेकर रात 12 बजे की टाइमिंग है, और तारिक रोड कमर्शल एरिया ब्लॉक 2 कराची नंबर 29 कैब नजरत कैफे लिबर्टी सिग्नल प्लाट नंबर C 6162। फ्रेंड आपने देखें एड्रेस अच्छे से नोट कर लिया, और आप यकीन करें कि आप लोग दुआएं देंगे इस ब्लॉग को, जब भी देखें तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है, और हमने बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट करी है, और इंशाल्लाह इसको आगे तक लेके जाएंगे। ओके फ्रेंड्स आ जाएँ, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड हमारा जो ऑर्डर है तो फ्रेंड्स वो आ गया है। तो चलें अब फूड रिव्यूज़ की तरफ चलते हैं और बताते हैं भाई कि इनका खाना कैसा है, दाता शाही मुर्ग छोले। तो चलें यहाँ हम फूड को अब रिव्यू करते हैं, क्योंकि गरम गरम खाना है तो इसको ठंडा नहीं करते। और बहुत ही मज़े के मुझे लग रहे हैं भाई पाए, ये बड़े के पाए हैं, ये माश की दाल है, देखें माश की दाल है, और ये मुर्ग छोले हैं, और ये भिंडी का सालन है सब्ज़ी का। तो चलें फूड रिव्यूज़ की तरफ चलते हैं। ओके अच्छा भाई, ये जो है इनका ये तिल वाला नान है। तो सबसे पहले तो मैं भाई पाए से स्टार्ट करूँगी। वाओ फ्रेंड्स बहुत माशाल्लाह मज़े के पाए हैं। आप यकीन करें कि एक निवाला खा के पता चल रहा है कि हाँ कोई चीज़ है। आइएगा ज़रूर खाइएगा, दुआएं देंगे, यकीन करें बहुत मज़े के पाए हैं। अभी मैं इनके मुर्ग छोले जो हैं वो टेस्ट कर रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत मज़े के हैं भाई।
मज़ा आ गया। इत्तेफाक से सारी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत मज़े किए फ्रेंड्स। आमतौर पे मैंने इससे पहले ढाबे की दाल खाई है, आप यकीन करें ऐसा लगता है सिर्फ उन्होंने पानी के अंदर जो है बॉईल करके और बस बेचनी शुरू कर दी, लेकिन इसके अंदर आप यकीन करें माशाल्लाह हर चीज़ दली हुई, हर चीज़ अच्छे तरीके से, टमाटर की प्यूरी दली हुई है और मसाले बहुत, मसाला जात बहुत मज़े के दले हुए हैं। एक जो परफेक्ट जो घर का खाना होता है ना, ये सेम वो लग रहा है, आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा जैसे हम घर में खाते हैं ना वो उस तरह से। और अभी मैं इनकी जो भिंडी है वो ट्राई कर रही हूँ, अमेजिंग लिटरली फ्रेंड, सो डिलीशियस सो डिलीशियस। सो आई हाईली रिकमेंड दिस कि भाई आप यहाँ आएँ दाताशाही मुर्ग छोले पे और यहाँ का खाना खाएं, आपको टोटल हाइजेनिक खाना मिलेगा यहाँ पे, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ आएँ। और ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप यकीन करें कि इतने अच्छे दिल के मालिक हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि भाई आप आएँ और आप यहाँ पे आएंगे 100 रुपीज़ में आपको पेट भर के खाना मिलेगा, आप वैसे भी आएंगे तो भी आपको खाना देंगे ये, तो ऐसे आज के दौर में कौन होता है। तो आएँ और अवेल करें और दुआएं दें इन लोगों को, बहुत दुआएं दें कि अल्लाह पाक इनके काम में तरक्की दे, इनके कारोबार में बरकत दे। तो चले मैं खाना खाती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर आपसे। तो भाई जब तक मैं खाना जो है इंजॉय कर रही हूँ, तो उस जब तक के लिए मैं आपसे भाई लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि मैं अब खाना इंजॉय कर रही हूँ। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, सो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नाज़िया पेशन। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड लॉट्स ऑफ लव।